मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्तास, कैडनी, सम्मान, कोनासीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। आयशा नगर कब्रिस्तान जहाँ ख़त्म होता है, एक रोड ये है और दूसरा रोड जो है मुफ्ती आज़म मस्जिद से लेकर के मासूम साइजिंग तक शिव रोड, ये दो रोड का काम 75 लाख रुपये के फंड से हो रहा है, जिसमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का भी फंड है और आमदार निधि भी है। ये दो अलग अलग काम है और दोनों काम का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हुआ है। हमने जो ये काम किया है, यहाँ के अहलियान महल्ला इस बात को देख रहे हैं कि हमने रोड की तामीर से पहले डब्बर डाला, उसके ऊपर खड़ी और मोरूम डाल करके उसको नीचे से जो है मजबूती दी और उसके बाद 6 इंच का अभी हम लोग जो रोड बना रहे हैं, इस रोड के ऊपर जो है 6 इंच का और माल आएगा। ऐसे तकरीबन 10 से 12 इंच की थिकनेस के साथ ये रोड बनेगा और इंशाल्लाह बहुत मजबूत और पायदार होगा। हम लोग जो फाइनल जो है ऊपर का जो लेयर होगी 6 इंच की, वो हम लोग सारन खेरा रेती की रेती में ही बना रहे हैं और इस तरह दूसरे मालों के ज़रिए जो रोड बनता है उसमें पायदारी कम होती है, ये पायदारी भी रहे, मजबूती भी रहे, उसके पेशे नज़र इन दोनों रोड का काम किया जा रहा है। शिव रोड जो है वहाँ पर लोग काम करने के लिए तैयार इसलिए नहीं होते कि वहाँ पर 2 कॉन्स्टिटेंसी मिलती है और कॉरपोरेशन के 3 जो है वहाँ पर पैनल हैं, तो बड़ा काम होने की वजह से कॉरपोरेटरों के लिए भी वो काम मुश्किल था और आधा तीतर आधा बटेर होने की वजह से आउटर और सेंट्रल के एमएलए भी थोड़ा आगे पीछे हो रहे थे। लेकिन हमने लोगों की सहूलत देखी कि इस इलाके के रहने वालों को अगर इस तरफ से गुज़रना है तो इसी रास्ते से गुज़रना है, बारिश के दिनों में बेपनाह तकलीफ़ होती है और अगर खुदा न खास्ता मैयत हो जाए तो मैयत इसी कच्चे रास्ते से और पना पड़ता है। महल्ले वालों का बहुत शदीद तकाजा था काफ़ी दिनों से, उनके तकाजे के पेशे नज़र ये दोनों काम 75 लाख रुपये के फ़ंड से हो रहे हैं और इंशाअल्लाह मजबूत और पायदार काम होगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नेकनामी का बाइस भी होगा। ये रास्ता जो है कम से कम 25 साल से, जब 1992 में आयशा नगर कब्रिस्तान बना, तब से हमने लीडरों को हमेशा इसकी आगाही करते रहे, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी, ना ही जनाजा हाल पर तवज्जो दी। अभी मुफ्ती इस्माइल साहब के फंड से 55 लाख रुपये फंड से जनाजा हाल बन रहा है, आधा बन चुका है और ये रोड का काम आज इब्तिदा हुआ 75 लाख रुपये का, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल होगा और पायदार होगा, ऐसा उन्होंने वादा किया और आवाम देख रही है। और उसके साथ साथ हुसैन अंसारी के, मुफ्ती साहब के साथ साथ हुसैन अंसारी के भी शुक्रगुजार हैं कि उनके कान पर हमने बात रखी और वो बात यहाँ तक पहुँचाई और MLA साहब ने दिलचस्पी लेकर जनाजा हॉल के लिए भी 55 लाख का फंड दिया और 75 लाख रुपये का सीमेंट रोड का भी। इससे आवाम, इस दोनों चीज़ों से आवाम को सहूलत है, चलने के लिए मैयत आए, जनाजा हॉल के लिए, हर चीज़ आवाम की सहूलत के लिए ये काम हुआ है। तो और तमाम ट्रस्टियान की जानिब से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी का और हुसैन अंसारी का शुक्रिया अदा करता हूँ। AHC अकेडमी मालेगांव, नीट JEE की बेहतरीन तैयारी, IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी, एडमिशन ओपन, अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने, महेश नगर, मालेगांव।